वरुण तुम इतनी जल्दी क्यों आए बेटा? और गेंदा कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है, थोड़े टाइम में आ जाएगी। आप लोग ये सब क्या कर रहे हो? चाची के बर्थडे की तैयारी। महाराज अंकल ने कहा था कि जब चाची वापस आएंगी तो हम सब उन्हें सरप्राइज देंगे। और वरुण भैया कैसा रहा सब? मतलब एंजॉय तो किया ना आप लोगों ने? क्या हूँ, गिफ्ट लेके गए थे गेंदा के लिए, उसे पसंद आया? पता नहीं, मैं उसे देकर आ गया। देकर आ गया? इतनी मुश्किल से वो शॉर्ट ड्रेस रखी थी मैंने कि वरुण भैया गेंदा को उस ड्रेस में देखेंगे तो देखते ही भड़क जाएंगे और फिर होगी दोनों के बीच महाभारत। गेंदा सचमुच अपने दोस्तों के साथ गई है या तुम्हें फिर से झगड़ा हुआ? ये तुमने क्या किया वरुण? आज के दिन तो तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए था। हर इंसान के लिए अपना जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो चाहता है कि सब उसे बधाई दे, उसे हंसकर बात करे, खुशी से बात करे, उसका जन्मदिन मनाए। लेकिन सच बताओ, तुम्हें लगता है तुमने ठीक किया? घर में सब गेंदा के लिए इतनी तैयारियां कर रहे हैं और मैं उसे झगड़ा करके उसे वहीं अकेला छोड़ा है। गेंदा ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मैंने क्या किया उसके साथ? उसके बर्थडे के दिन ही उसका दिल दुखा दिया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गेंदा? हाँ गेंदा। हेलो भाभी, वरुण घर पहुंच गए क्या? हाँ, वरुण भैया घर पहुंच गए। क्यों? वो दरअसल ना, वो मुझसे नाराज हैं। उनका फोन भी नहीं लग रहा, इसलिए मैंने सोचा मैं किसे कॉल करूं, इसीलिए आपको फोन कर लिया। नाराज होकर चले गए? झगड़ा हुआ है क्या तुम लोगों का? हाँ, वो आज के दिन भी कोई झगड़ा करता है क्या? क्या हुआ मुझे बताओ। एक्चुअली भाभी, वरुण ने ना मुझे गिफ्ट में एक ड्रेस दिया था, वो चाहते थे कि मैं वो ड्रेस पहनूं। मैंने मना कर दिया तो वो यहाँ से गुस्सा होकर चले गए। भाभी मैं जानती हूँ मैंने ठीक नहीं किया, पर अब आप ही बताओ मैं कैसे मनाऊं उन्हें। हाँ, तुम परेशान मत हो, वरुण भैया इधर ही है, तुम खुद क्यों नहीं बात कर लेती हो उनसे? मैं अभी तुम्हारी बात कराती हूँ। हाँ रुको। वरुण भैया, गेंदा का फोन है, बात करो। अरे भाभी हूँ मैं आपकी, आप दोनों के बीच में कुछ बात हो गई है तो मुझे तो हेल्प करनी पड़ेगी ना, बात करो। हेलो वरुण, आई एम सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? गलती मेरी है, आई एम सॉरी। वरुण देखिए, आपने मुझे जो ड्रेस दी ना, मैं पहनना चाहती हूँ, पर मैं ये सिर्फ आपके लिए पहनना चाहती हूँ। बोलो उसे ड्रेस पहन के आने के लिए, हम भी तो देखें हमारी गेंदा आपकी पसंद में कैसी लगेगी। अच्छा ठीक है, अब तुम पहन कर आ जाओ, मुझे अच्छा लगे। ये वरुण, ये तो सबके सामने घर वाले होंगे, सब होंगे ना वहां। वो कितना शर्माती है ये, बोलो उसे पहन के आने के लिए। नहीं, वो तुम जब तक आओगी तब तक सब सो जाएंगे, मैं अकेला ही रहूंगा, तुम आ जाओ।
पक्का ना? हाँ पक्का, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं अभी ये पहन कर आती हूँ। चल, थोड़ी मेहनत और लगी निशा, लेकिन प्लान तो कामयाब हो गया। कहाँ मैं इन दोनों की शाम खराब करने वाली थी और कहाँ अब पूरे घर की रात काली होने वाली है। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं सो रहा हूँ, दरवाजा खुला छोड़ा, तुम आ जाओ। पक्का सब सो गए हैं ना? हाँ सब घोड़े बेच के सो गए, तुम जल्दी से आ जाओ। क्या पहनकर आई हैं ये? मैंने तो उसे साड़ी गिफ्ट की थी। अब पता चलेगा सबको कि बड़ी बहू ही होती है। क्या पहना है तुमने? आज एक पति होने के नाते तुम्हारी परीक्षा है वरुण, अपनी पत्नी का साथ दो, उसे तुम्हारी आवश्यकता है। महाराज जी, आप मेरे साथ आइए। लगता है मेरा भी फोन बज रहा है, मैं जाके चेक करता हूँ। शिवम, चल। ये सब क्या है मम्मी? इसीलिए भेजा तो तुम्हें वहां। इतनी बेहुदा ड्रेस तुमने उसे पहनने कैसे दी? मम्मी, मैंने गेंदा कुछ और दिया था वो। बस, हमारी घर की इज्जत पे जो तुमने चार चांद लगाए ना, उसके बाद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन अभी गुस्सा करने का क्या फायदा? गेंदा से गलती हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं समझा दूंगी उसे, आगे से नहीं करेगी। वैसे एक बात कहूँ, हमारी गेंदा लग तो अच्छी ही रही है। हो गया, तुम्हें उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ रहकर तुम्हारी जबान भी बहुत लंबी हो गई है।
किसी बड़े का लिहाज, न कोई शर्म। इस घर में हो क्या रहा है? सब कोई वही कर रहा है जो उसके मन में आ रहा है। सॉरी। क्या सॉरी? हाँ? और तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? तुझे पता था ना, तूने एक बार भी ये नहीं सोचा ऐसे कपड़े पहनकर अगर वो घर आएगी तो क्या होगा, तेरे पापा को कैसा लगेगा? अरे वो तो शर्म के मारे अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रहे। कुछ तो लिहाज किया होता उनका, और जो तूने आज किया है ना, इस घर में वो करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। अब जा अंदर, उसके कपड़े बदलवाकर उसे वापस लेकर आया जा। ऐसे कपड़े पहने से पहले तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? हाँ, एक बार सोचा भी नहीं कि तुम क्या कर रही हो? दिमाग है भी या नहीं तुम्हें गेंदा? ऐसे कपड़े आपने मुझे दिए ही क्यों? हाँ, अब आपको शर्म आ रही है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा ऐसे कपड़े मुझे गिफ्ट करने से पहले? ये ड्रेस मैंने तुम्हें दी है। तुम पागल हो गई हो क्या गेंदा? ऐसी ड्रेस मैं तुम्हें क्यों गिफ्ट करूंगा? मैंने तुम्हें एक साड़ी गिफ्ट की थी गेंदा। जी नहीं, उस गिफ्ट बॉक्स में यही ड्रेस थी वरुण। ऐसा कैसे हो सकता? मुझे क्या पता, ये तो आप ही जाने। चलो मान ली, मान लिया कि पैक करते हो दुकानदार से गलती हो गई हो, उसने गलती से ये पैक कर दिया, लेकिन तुम्हें तो अपना दिमाग लगाना चाहिए ना, इतनी तो समझ होनी चाहिए। किसको अच्छा लगे तुम ऐसे कपड़े पहनकर घर आओगी? तो इस घर के कायदे नियम तुम्हें अभी भी पता है या नहीं? पता है वरुण, लेकिन आपने जिद की थी कि गेंदा ये ड्रेस पहनो। आपने मुझसे कहा था कि घर पे सब सो गए, मैं तो घर में घुसने से पहले आपको फोन भी कर रही थी, मैंने आपसे पूछा भी, आपने कहा सब सो गए, इसलिए मैं। अच्छा, तो इस घर के कायदे नियम लोगों के सोने जागने के हिसाब से माने जाएंगे? कहना तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीप ड्रेस गिफ्ट करूंगा? और ऊपर से ये कहूंगा कि आओ सबके सामने पहनकर आ जाओ, देखो इतने भी मॉडर्न नहीं हुए हम अब तक, चांदनी चौक में रहते हैं, साउथ दिल्ली में नहीं। मुझे पता है वरुण, लेकिन अगर ये ड्रेस मैंने पहनी है ना, तो सिर्फ आपके और निशा भाभी के कहने पे, मैं तो खुद ही कपड़े नहीं पहनना चाहती थी। और मैं क्या करती, आप ही मुझे बताइए, आप वहां से नाराज होकर निकल गए, आपको खुश करने के लिए मैंने ड्रेस पहन ली। मैंने तो खुद अपनी लाइफ में कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, लेकिन एक बात जानते हैं, ये ड्रेस पहन के मैं इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी जितना आपकी और मम्मी जी की नजरें मुझे फील करवा रही थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी गलती कर। गलती तो तुमने की है केंद्र, पर बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास, सब बार केक काटने के लिए वेट कर रहा है तुम्हारा। और ये चेंज करके आ जाऊं? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अच्छा दिखने और मॉडर्न लगने की होड़ में बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। समाज की संस्कारों की जरूरत ही नहीं है, ना फिक्र है इनको। महाराज जी, इन्हें लग रहा है ये समाज के जो बनाए हुए जो कायदे नियम है, इन्हें लगता है इनके पैरों में बेड़ियां हैं। बताइए महाराज जी, आप ही के सामने मैंने इन्हें जन्मदिन मनाने के लिए भेजा था। अब देखिए, खानदान की इज्जत की बरसी मना करा रहे। शांत हो जाइए कुंदन जी। क्षमा महाराज जी, क्षमा, मेरी वजह से आपको भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है, सच में आपको भी बुरा लग रहा होगा, क्षमा क्षमा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कुंदन जी। दादू दादू, जल्दी चलो बाहर, केक कटने वाला है। चलिए गुंडा जी।
कहाँ का छुप रहे हो? इधर खड़े रहो ना चाची के साथ। बहुत सर पर उठाकर घूम रहे थे सब इसे, अब खुद ही सर उठाने के लायक भी नहीं रहे। चाची जल्दी के काटो ना, कितना वेट कराओगी? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. दादू, दादी, चाचू, पापा, आप सब भी गाओ ना मेरे साथ। रुक जाओ गेंदा। अच्छा बेटा, हम अभी क्या गा रहे थे? Happy birthday to you। उसका अर्थ क्या है? Happy birthday to you का मतलब Happy birthday to you। इसका अर्थ ये है कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये दिन, ये साल, पूरा जीवन आनंदमयी हो। लेकिन गेंदा को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो खुश दिख रही है। कुंदन जी, आपको? अनुराधा जी, आपको? मनीष जी, निशा जी, आपको? वरुण, तुम्हें? आप सब चुप है, इसका अर्थ यह है कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। गेंदा खुश क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वो खुश नहीं है। और वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि आज जो इसने वस्त्र पहने थे, जो कपड़े पहने थे, वो आप किसी को अच्छे नहीं लगे। और आप सबने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कोई बड़ा अपराध किया। महाराज जी, अपराध तो नहीं, लेकिन गलती तो हुई है। आपको नहीं लगता है कुछ गलत हुआ है? बिल्कुल नहीं। वस्त्र वही पहनने चाहिए जो आपके लिए आरामदायी हो, जिसे पहनकर आप सुंदर दिखे, जिसे पहनकर आपको अच्छा लगे। आप में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश की कि गेंदा को इस कपड़ों में कैसे लग रहा था? उसे अच्छा लग रहा था या बुरा? उसे बुरा नहीं लग रहा था। यदि बुरा लगता तो वो कपड़े पहनकर वो घर तक नहीं आती। उसे बुरा तब लगा जब वो घर आई, क्योंकि आपके नजरों ने, आपके व्यवहार ने उसे बुरा लगने पर मजबूर किया। मैं ठीक कह रहा हूं ना गेंदा? गेंदा की चुप्पी ये कह रही है कि मैंने जो कुछ भी कहा वह सत्य है। महाराज जी, क्षमा चाहता हूं, आपको दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं अभी आपसे अंदर बात कर रहा था। अब क्या कहूं, छोड़िए, रात बहुत हो चुकी है, केक कटवाइए। दुनियादारी क्या है कुंदन जी? दुनिया वही है जैसे हम उसे देखते हैं, और जो हम देखते हैं उसी को हम बना भी देते हैं। बुराई गेंदा के कपड़ों में नहीं है। हमारे देखने के तरीके में है। जिसने छोटी सी बात को मान सम्मान का प्रश्न बना दिया।
मेरे हिसाब से अभी केक काटते वैसे लेट हो चुका है। चलिए वरुण, तुम कुछ नहीं कहोगे?